हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में बताएंगे और इसके इतिहास के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जिसका निर्माण किसने किया और कब किया, कब बनवाया गया, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं हो पाई है। जिस मंदिर को मुगलों ने कई बार लूटा, मतलब 17 बार लूटा, फिर भी मंदिर वैसा का वैसा ही बना हुआ है। कई विदेशी ताकतों ने इस मंदिर को जड़ से उखाड़ फेंकने की नाकाम कोशिश की, संपत्ति को लूट ले गए, यानी पूरी पूरी संपत्ति को लूट ले गए। लेकिन मंदिर को निर्माण, यानी मंदिर के निर्माण के लिए पुण्य आत्माओं ने फिर से जन्म लिया और इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। आज हम आपको भारत के इतिहास के सबसे रहस्यमय, अद्भुत और आश्चर्यजनक मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जिस इतिहास के बारे में हर भारतवासी को जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर जी की, जो हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखिए क्या है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था चंद्रदेव ने। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया और पुनः निर्मित किया गया। वर्तमान भवन का पुनः निर्माण का आरंभ भारत के स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था और 1 दिसंबर 1995 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है। मंदिर के प्रांगण में रात 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड लाइट शो चलता है, जिससे सोमनाथ मंदिर का बड़ा ही सुंदर तरीके से सचित्र वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, मतलब शरीर का त्याग किया था, इस कारण इस क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ प्राचीन रहस्य के बारे में। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने प्रजापति राजा दक्ष की 27 कन्याओं के साथ में विवाह किया था, लेकिन अपनी सभी पत्नियों में वह रोहिणी नाम की पत्नी को सबसे अधिक प्रेम करते थे और सम्मान दिया करते थे। उनकी बाकी बेटियों के साथ यह अन्याय होते देख क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया और कहा कि आज से हर रोज तुम्हारा तेज कम होता रहेगा। इस श्राप के फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रदेव का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। चंद्रदेव की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव का श्राप, यानी श्राप का जो है वो निवारण हो गया। एक दूसरे मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद चिन्ह को हिरण की आंख समझ कर धोखे से तीर मारा। यहीं पर से भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया और यहीं से बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर अस्तित्व में कब आया। तो प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था, पर बुद्धिजीवी कोई धार्मिक ग्रंथों के आधार पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए इस मंदिर का मूल निर्माण और तिथि अज्ञात, यानी अभी भी पता नहीं है। प्रायः काल में सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया गया और फिर इसका निर्माण किया गया। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। अरब यात्री अलबरूनी ने अपनी यात्रा विक्रांत में इसका वर्णन किया है, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। उसने यहां से 20 लाख दिनार की लूट की थी और आधी शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था। इसके बाद प्रतिष्ठित की गई शिवलिंग को 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद कई बार मंदिर की शिवलिंग को खंडित किया गया।
कहा जाता है कि आगरा के किले में देवद्वार सोमनाथ मंदिर ही है। एक उत्कृष्ट शिलालेख के अनुसार कुमार पाल ने 1169 में इस मंदिर को एक उत्कृष्ट पत्थर बनवाया था और इसे गहने के साथ सजा दिया था। फिर बाद में 1299 उलल्लाल खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वाघेला वंश के कारण देवद्वितीय को पराजित किया और सोमनाथ मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया। हसन निजाम के ताज उल नासिर के मुताबिक सुल्तान ने दावा किया कि उसने तलवार के दम पर 50,000 काफिरों को मार दिया और 20,000 से भी अधिक दास बनाए। कान्हादेव जो कि जालौर के राजा थे, उन्होंने बाद में खिलजी की सेना को हराकर खंडित शिवलिंग को वापस प्राप्त किया और सभी बंदियों को मुक्त करवाया। कहते हैं कि 1395 इस मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया गया था और 1491 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेंदा इसे अपमानित भी किया गया था। 1546 ईस्वी में गोवा में स्थित पुर्तगाली के सोमनाथ में गुजरात के बंदरगाह और कस्बा पर हमला किया और कई मंदिरों को नष्ट कर दिया था, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी एक था। वर्तमान समय में सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण भारत के स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करवाया गया था। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे पर एक स्तंभ मौजूद है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भी भूभाग नहीं है। मंदिर की पृष्ठभाग से प्राचीन मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। सोमनाथ जी के मंदिर का संचालन और व्यवस्था सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध भी किया गया है। इसे यहाँ पर जो है इसके अलावा यहाँ पे जो है 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम भी होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। सोमनाथ मंदिर के समय काल में अन्य देव के मंदिर भी थे। इसमें भगवान विष्णु यानी भगवान शिव की जो है 135 मूर्तियाँ थी, भगवान विष्णु की 5 और देवियों की 25, सूर्य देव के 16, गणेश जी की 5 मूर्तियाँ, नाग मंदिर था एक और क्षेत्रपाल मंदिर, 19 कुंड और 9 नदियाँ बताई जाती हैं। महमूद के हमले के बाद 21 मंदिरों का निर्माण किया गया था। संभवतः इसके पश्चात भी अनेकों मंदिर बने। 4 धाम में से एक धाम भगवान कृष्ण की द्वारिका सोमनाथ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर प्रतिदिन द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए देश और विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ गोमती नदी स्थित है। इसके स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। इस नदी का जल सूर्योदय पर बढ़ जाता है और सूर्यास्त पर घट जाता है, जो सुबह सूर्य निकलने से मात्र 1 या 2 फिट ही रह जाता है। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आदि अनंत है। इसका सर्वप्रथम निर्माण काल अज्ञात है। हर काल में इस मंदिर को बुरी ताकतों ने लूटा और शिवलिंग को खंडित किया। इन सब के बावजूद आज भी अपने भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर में विराजित शिवलिंग और यह मंदिर पूरी भव्यता के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। यह मंदिर उन सभी बुरी ताकतों के लिए एक मिसाल है और सबसे बड़ा उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि आखिर कितना भी अंधेरा हो, जीत हमेशा उजाले की ही होती है और चाहे कितनी भी बुराई ही हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। दोस्तों, अपने जीवन काल में इस भव्य सोमनाथ मंदिर का दर्शन आप भी जरूर कीजिएगा और अगर आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह जानकारी आगे तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।